नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज टाइम के इस बुलेटिन में। मैं हूँ प्रियंका और आइए सबसे पहले एक नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। होली पर्व के मद्देनजर बिहार जाने वाली बसों में सीटें नहीं, किराया में 30 से 50 रुपए तक इजाफा। शहर में अब नहीं नजर आएंगे होर्डिंग्स, जेएनएसी द्वारा अभियान चलाकर सभी अवैध होर्डिंगों को हटाया गया। और मैट्रिक परीक्षा हुई खत्म, बच्चों ने जमकर की मस्ती, भविष्य की योजनाओं पर की चर्चा। अब खबरें विस्तार से। होली को लेकर बिहार रूट पर चलने वाली सभी बसों की सीटें फुल हैं। यात्रियों को काफी परेशान देखा गया। टिकटों के मूल्य में 30 से 50 रुपए तक की वृद्धि कर दी गई है। होली पर्व को देखते हुए हर बार की तरह इस बार भी बिहार रूट पर चलने वाली सभी बसों की सीटें फुल हैं। हालांकि टिकटों के मूल्य में 30 से 50 रुपए की वृद्धि कर दी गई है। टिकट मूल्य में वृद्धि का कारण सड़क की जर्जर अवस्था बताया जा रहा है। एक बस संचालक ने कहा कि पहले रांची तक पहुंचने में 3 घंटे लगते थे, मगर अब 5 घंटे लग रहे हैं। इसके अलावा कुछ ही माह के अंतराल में 17 से 18 बार डीजल के मूल्य में वृद्धि की गई है। होली के लेके काफी भीड़ है, लेकिन सड़क खराब की वजह से हम लोग थोड़ा चिंतित हैं। कैसा टिकट ब्लैक चल रहा क्या? नहीं, ब्लैक तो नहीं चलता है, ऐसा कोई बात नहीं है, यह सब अफवाह है। और कुछ लोग अगर ऐसा करता भी है तो हम लोग उसको रोक देंगे, ऐसा करने वाला को। आपको किस रूट की भीड़ है? छपरा, सिवान, मुजफ्फरपुर, गया और नॉर्थ बिहार, उत्तर बिहार से जुड़ा हुआ सब। तो ठीक है, 4 दिन की भीड़ है माने होली में, और पैसेंजर उसमें भी जाना पहले के अपेक्षा, जो 2-4 साल पहले जो भीड़ रहती थी उसके अपेक्षा कल कम है। इसलिए कि रोड इतना खराब है, सुविधा नाम मात्र का समझिए कि यहाँ से रांची जाते जाते आपको 5 घंटा लगता है, पहले 3 घंटा लगता था, 5 घंटा लगता है। कौन से गाड़ी में जाएंगे? तो तूफान का जाने का है। ट्रेन में गए थे? ट्रेन का नहीं है, ट्रेन तो ऐसा एक तो ट्रेन है और वो भी ऐसा है कि मतलब जो है 2 दिन में भी घर नहीं पहुंच पाएगा। एक टाटा छपरा है वो भी ऐसा है कि 2 दिन में भी घर नहीं पहुंच पाएगा। कहाँ ऐसा बोल? ऐसा किया मतलब उसको 6 बजे टाइम है समस्तीपुर और 12-1 बजे पहुँचता है, हम लोग को मधुबनी वाला ट्रेन छूट जाता है। जमशेदपुर अधिसूचित क्षेत्र समिति द्वारा शुक्रवार को साक्षी क्षेत्र में एक अभियान चलाकर अवैध होर्डिंगों को हटाया गया। पिछले कुछ समय से शहर में जगह जगह लगाए गए अवैध होर्डिंगों के खिलाफ कार्रवाई की कवायद चलाई जा रही है। शुक्रवार को इसे अमली जमा पहनाते हुए पोकलेन की मदद से अवैध होर्डिंगों को निस्तनाबूद कर दिया गया। प्रथम दिन ये अभियान साक्षी क्षेत्र में चलाया गया। होर्डिंग हटाए जाने के अभियान को आगे भी चलाया जाएगा। उनका नेतृत्व जेएनएसी के अयोध्या सिंह कर रहे थे। अवैध होर्डिंग हटा रहे हैं बगैर परमिशन का, उसको से लिस्ट मिला है उसमें अवैध किया गया। कितने होर्डिंग पे कार्रवाई होगी? है करीब 15। किन किन जगह? साक्षी सिर्फ? हाँ, साक्षी है, वहाँ बस स्टैंड में है, तो चक्कर में है। परीक्षाएं समाप्त होना छात्रों के लिए सिर से भारी बोझ उतरने की तरह है। मैट्रिक की परीक्षा सोमवार को समाप्त हुई। बच्चों की खुशी का ठिकाना नहीं रहा, सभी मस्ती के मूड में दिखे। कोई घूमने की बात कर रहा था तो कोई मौज मस्ती की, मगर कुछ छात्र ऐसे भी थे जिन्हें अपने करियर की फिक्र थी और उन्होंने बताया कि डिप्लोमा करना है और माता पिता की अपेक्षाओं पर खरा उतरना है। आगे क्या कीजिए? आगे अभी तक नहीं बता सकते क्या करेंगे। कैसा एग्जाम दिया? बहुत अच्छा गया। पॉलिटेक्निक करना है हम लोग को? एग्जाम बहुत अच्छा गया, मैं आगे चलकर पॉलिटेक्निक करना चाहती हूँ। मैं मेरे पढ़ने में बहुत इच्छा है। आज कैसा महसूस हो रहा है? आज मुझे एग्जाम देकर बहुत अच्छा लग रहा है। हम लोग झुगली पार्क सैर करने आए अपने ट्यूशन सर के साथ में और ट्यूशन स्टूडेंट के साथ में। सर आ गई एग्जाम दे के बहुत खुशी हुआ कि हम लोग आज एग्जाम बहुत अच्छा किया है। हम लोग चाहते हैं कि आगे पढ़ लिख के कुछ बने, देश के लिए हम लोग कुछ नागरिक बने, उस लायक देश को हम लोग को
कुछ करना है, कर दिखलाना है। अच्छा एग्जाम लेके हम पूरा आज दिन भर आज मस्ती करने का दिन है, पूरा घूमेंगे जुगली बस पूरा, फिर शाम को घर जाएंगे हम लोग। अच्छा लगा एग्जाम, अब क्या कीजिएगा, अब आगे का सोचे हैं, कॉलेज जाएंगे। आज लास्ट दिन था एग्जाम का, हम लोग घूमने आए, बहुत अच्छा लगा, सब एग्जाम अच्छा किया है और इसीलिए हम लोग अब टेंशन फ्री है, इसीलिए हम लोग थोड़ा मस्ती करने के लिए पार्क घूमने के लिए आए। आज हम लोग का एग्जाम बहुत अच्छा है, हम लोग का एग्जाम खत्म हो गया, अब हमारा सर से टेंशन फ्री हो गया, अब रिजल्ट अच्छा निकलेगा, आगे का पढ़ाई अच्छा करेंगे। एग्जाम बहुत अच्छा गया है, हम लोग का ऊपर से टेंशन खत्म हो गया है और रिजल्ट आई तो अच्छा, तो आगे के पढ़ाई की जाएगी इंजीनियरिंग। पढ़ाई किए हैं आपको, रिजल्ट अच्छा जाएगा, कैसा तैयारी का आपको? अल्हम्दुलिल्लाह सही गया एग्जाम। रोटरी क्लब ऑफ जमशेदपुर द्वारा शुक्रवार को विकलांगता जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें कई विकलांगों को उपकरण भी बांटे गए। रोटरी क्लब ऑफ जमशेदपुर द्वारा हर बार की तरह इस बार भी विकलांगता जागरूकता का कार्यक्रम आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में विकलांगों ने भाग लिया। रुचि नरेंद्रन इस मौके पर मुख्य अतिथि के तौर पर मौजूद थी। कार्यक्रम में विकलांग बच्चों को आगे बढ़ाने एवं समाज में उनके प्रति संवेदनशील लाने के लिए लोगों में उनके प्रति जागरूकता लाने पर बल दिया गया। जमशेदपुर के द्वारा पिछले दो वर्षों से विकलांग लोगों के लिए ये प्रयास किया जा रहा है कि उनके बारे में जागरूकता फैले, लोग उनके बारे में संवेदनशील हों, और इसी कार्यक्रम के तहत पिछले दो वर्षों से हम लोगों ने कई कार्यक्रम किए, और जैसे पिछले वर्ष हम लोगों ने डॉक्टर उमादुली भाई को यहाँ पर आमंत्रित किया था। उमादुली आपको पता होगा कि वो बच्चों के जो विकलांग बच्चे हैं उनकी जो और निःशक्त बच्चे हैं उनकी शिक्षा के लिए वो काफ़ी काम कर रहे हैं, तो वो आई थी और उस दिन हम लोगों ने करीब 50 उपकरण विकलांग बच्चों को लोगों को दिए थे, और एक हमने कार्यक्रम भी किया था। आज क्या कार्यक्रम है? आज का जो कार्यक्रम है, आज हम लोगों का एक सेमिनार हो रहा है जिसमें हम लोगों को उन्हीं ज़रूरतों, विकलांगों, निःशक्तों की ज़रूरतों के बारे में बता रहे हैं, और इसमें जो सबसे प्रमुख बात है कि आज हमारे बीच अरुणिमा सिन्हा हैं जो पहली विकलांग हैं, भारतीय विकलांग जो माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई की, और उनके साथ जीजा घोष हैं, ये भी डिसेबल्ड विकलांगों के लिए काम करती हैं, कलकत्ता से आई हैं, वो भी अपने विचार, और रुचि नरेंद्रन जी हैं वो हमारी मुख्य अतिथि हैं। मानगोड़ डिमना रोड स्थित सिद्धू कानू शिक्षा निकेतन की छात्रा रिंकी कुमारी शुक्रवार को अचानक अचेत हो गई, उसे एमजीएम अस्पताल में भर्ती कराया गया है। मानगोड़ डिमना रोड स्थित सिद्धू कानू शिक्षा निकेतन में कक्षा 9वीं की छात्रा रिंकी कुमारी अचानक विद्यालय में बेहोश हो गई। अभिभावकों को खबर दी गई बाद में उसे एमजीएम अस्पताल में भर्ती कराया गया, तो उसके अभिभावकों का कहना है कि स्कूल प्रबंधन ने कोई पहल नहीं की और बच्ची की सुधी तक लेने नहीं आई। ऐसे रास्ते में गिर गई, कैसे चक्कर आया सर में, गिर गई, 9 क्लास में पढ़ती है। चाहे स्कूल में मास्टर क्या करता है, बच्चा गिर गया है तो बच्चा को कोई नहीं आएगा देखने, तो बच्चा कुछ हो जाएगा तो क्या होगा, रास्ता में रिक्स में भेजते हैं। उम्मीद वेलफेयर सोसाइटी धतकीडी में जरूरतमंदों की मदद को हमेशा तत्पर रहता है। शुक्रवार को एक नेत्रहीन को तत्काल आर्थिक मदद पहुंचाई गई। उम्मीद वेलफेयर सोसाइटी द्वारा शुक्रवार को एक जरूरतमंद नेत्रहीन को तत्काल आर्थिक मदद पहुंचाई गई। इसी तरह सोसाइटी हमेशा से ही जरूरतमंदों की मदद को तत्पर रहता है। सोसाइटी के अनवर अली ने लोगों से मताधिकार का प्रयोग जरूर करने तथा योग्य उम्मीदवार को जिताने का आग्रह किया। हमारा धतकीडी स्थित उम्मीद वेलफेयर सोसाइटी की ओर से ये बैठक है, समापन बैठक है। 3 दिन तक जमशेद जी, नौशेरवा जी, टाटा जी के 175वां जन्म दिवस का कार्यक्रम यहाँ चला, और उस उपलक्ष्य में हम लोगों ने बस्ती में बहुत सारे कल्याणकारी काम किए। जैसे ही आचार संहिता और चुनाव की घोषणा हो गई है, हम तमाम राजनीतिक लोगों के साथ अपना संपर्क बंद करके यहाँ हम लोग पूरी तौर पर सामाजिक स्तर पर अपना कल्याणकारी योजनाओं को चला रहे हैं। और आपने देखा कि आज एक ब्लाइंड आदमी को हम लोगों ने राशि से सहयोग किया,
और इसके साथ और भी दूसरे जो है हैंडीकैप लोगों को हम लोग प्रोत्साहन करने के लिए और उनके कल्याण करने के लिए वचनबद्ध है। और साथ ही साथ चुनाव को देखते हुए हम जमशेदपुर के मतदाताओं से ये अपील करेंगे कि वो अपना मत अधिकार का प्रयोग करें और एक मजबूत जनतंत्र की स्थापना करें और एक ऐसा सांसद चुन के भेजे जो इस क्षेत्र के जनता के सुख दुख में को पार्लियामेंट में उठा सके और शांतिपूर्वक यहाँ मतदान हो सके। आदिवासियों के सबसे बड़े पर्वों में एक बहा बोंगा के मौके पर डिमना में समुदाय के लोगों ने पूजा अर्चना की और बलि चढ़ाई। आदिवासी समुदाय के लोग प्रकृति की पूजा करते हैं। उनके सबसे बड़े पर्व बहा बोंगा के मौके पर शुक्रवार को पूजा अनुष्ठान कर मुर्गे और खस्सी की बलि चढ़ाई गई। 3 दिवसीय कार्यक्रम में कल वे सिंद्रा पर्व मनाएंगे जिसमें समाज के पुरुष सदस्य टोबो हिल जाकर छोटे मोटे जानवरों का शिकार करेंगे। ग्राम प्रधान दीपक मुर्मू ने बताया। और ये हमारा संथाल समुदाय का सबसे बड़ा पर्व है। इस दिन आप लोगों ने इस दिन हम लोग जैसा हमारा बहा बोंगा बहा सर्दी होता उसके पहले हम जाहिर सड़ीम दलप करते हैं। जो देवी देवता का जो घर होता है उसमें जाहिर सड़ीम हम लोग दलप करते हैं और बोंगा बुरु को हम लोग कल जो है ना बीते जो कल हुआ उसमें हम लोग अपना बोंगा बुरु को उम नड़का किया, जाहिर सड़ीम को दलप किया और हम लोग उसका घर द्वार को साफ सफाई किए। और आज मुलू मोड़े महा में नायके बाबा को हम लोग नायके बाकुल से सीधा जाहिर गाड़ लेके आ गए और जाहिर थान लेके आए। यहाँ हम लोग मारांग बुरु जाहिर आए और नीटे मोड़े को तुरे को हम लोग इसका हम लोग पूजा अर्चना किए। और ये हमारा पूरा ये पूरा प्रदेश में पूरा देश में पूरा गांव में सुख समृद्धि के लिए यहाँ के ग्रामवासी का उन्नति के लिए सुख शांति के लिए हम लोग प्रार्थना करते हैं। हम लोग अच्छा बारिश हो, अच्छा फसल हो, है ना। वो यहाँ पे हम लोग का कोई व्यक्ति विशेष में कोई पूजा पाठ नहीं होता, ये हमारा पूरा सामूहिक रूप से ये पूजा होती है। और कोई भी हम एक व्यक्तिगत रूप के लिए हम किसी भी हम यह डिमांड नहीं करते हैं। पूरा गांव हमारा समृद्ध हो, हमारा पूरा गांव सुख खुशहाल हो, इसके लिए हम यहाँ पे पूजा अर्चना। वहाँ पर्व हो रहा है कल जो है हमारा ये पूरा पर्व 3 दिन कंटिन्यू चलेगा, बीते कल आज और कल। कल जो है ना हमारा बहा सेंद्रा है जो हमारा पारंपरिक सेंद्रा। हम जो है ना पूरा गांव ग्रामवासी अपना पारंपरिक हथियार से लेके नायके बाखुल से लेके आशीर्वाद लेके हम जयरा स्थान लेके जाएंगे और जयरा स्थान से हमारा मारांग बुरु जहर आए लिटो मोड़े तुरी को का आशीर्वाद लेके हम तोगो हिल के लिए कुछ करेंगे। दलमा नहीं, तोगो हिल। जैतगढ़ में महिलाओं ने नशा उन्मूलन और महिलाओं के प्रति अत्याचार के विरुद्ध आवाज उठाने के लिए गुलाबी गैंग का गठन किया। शुक्रवार को चेशायर होम में उन्हें सम्मानित किया गया। माधुरी दीक्षित और जूही चावला अभिनीत गुलाबी गैंग से प्रभावित होकर चाईबासा के निकट के जैतगढ़ में परमिला पात्रों के नेतृत्व में एक गुलाबी गैंग का गठन किया गया है। उन्होंने नशा उन्मूलन कार्यक्रम और महिलाओं से अत्याचार के विरोध में कार्य पर पप्पू सरदार ने शुक्रवार को चेशायर होम में उन्हें सम्मानित किया। हम लोग को पप्पू जी बुलाए हैं सम्मानित करने के लिए। पप्पू जी शायद पेपर में पढ़े होंगे और सम्मानित करना चाहें तो पेपर प्रेस द्वारा हमको कांटेक्ट किए तो हमको भी खुश लगा, चलो कोई तो हम लोग का कदर कर रहा है कि सपोर्ट कर रहा है, तो इसीलिए हम उनका इज्जत रखने और हम लोग महिला सबका और भी हौसला अफजाई करने यहाँ चले आए हैं। आप लोग करते क्या, आपकी संस्था क्या करती है? हम लोग का संस्था बहुत प्रकार के काम करती है, पर पहला हम लोग का फर्स्ट और
अहम मुद्दा है नशाबंदी पर। हम पूरा क्षेत्र में नशा मुक्त करना चाहते हैं और महिला सब में जो अत्याचार होता है कि मजबूर वर्ग का आदमी होता है जो कोई चीज़ के लिए जाता है पर ऑफिस से उल्टा लौटता है, तो उनके आवाज़ बने हैं हम। और अभी जो हाल ही में इतना बड़ा बड़ा एक्सीडेंट हुआ है तो उसके बारे में हम मुद्दा रखे हैं कि ट्रैफिक व्यवस्था दुरुस्त किया जाए। और आपका उधर हॉस्पिटल में सब में हॉस्पिटल तो करोड़ करोड़ का बन जाता है पर ना मैंने जितना जल्दी बनता है, जितना देर में बनता है उतना जल्दी खंडर भी बन जा रहा है, तो उस बारे में भी हम आवाज़ उठा रहे हैं। ऐसा मैंने कोई भी सरकारी व्यवस्था जहाँ हम लोग ऐसा पहली बार हम भी जब ऑफिस गए थे तो हमको एक क्लर्क ठग दुकार कर भगा दिया था, तो हम उसको दुकार कर भी फिर हम आगे बढ़ते चले तो हम सोचते हैं कि आगे किसी को परेशानी नहीं हो, तो हम लोग उस सरकारी व्यवस्था के खिलाफ भी लड़ते हैं। दीदी अक्सर देखा गया इस तरह का आंदोलन, मतलब मुख्य महिला लोग इसमें शामिल नहीं होते, घर से निकले, आपको कैसे प्रेरणा मिली? शायद मेरे माता पिताजी का एक संस्कार है कि मेरे पिताजी हमेशा सिखाते कि कहीं गलत हो रहा है तो आवाज़ उठाओ बोल के, तो उसी का जोश था और देखे माहौल भी ऐसा है तो हम हिम्मत किए। सिद्धगुड़ा टाउन हॉल में शुक्रवार को एसडीओ ने सभी बूथ लेवल ऑफिसर के साथ बैठक कर उन्हें आगामी चुनावों के लिए आवश्यक निर्देश दिया। सभी क्षेत्रों के बीएलओ अर्थात बूथ लेवल ऑफिसर के साथ बैठक कर एसडीओ प्रेम रंजन ने उन्हें बूथवार तैयारियों और कार्यप्रणाली की जानकारी दी तथा उन्हें आवश्यक निर्देश भी दिया। मेरी बात सुन लीजिए, फोन तो आपके पास हमेशा रहेगा, तो इसमें बेसिकली आपको उनको मतदाता सूची दिखाना है। मोटा मोटी जो दो बात समझ में आती है कि मतदाता सूची आपको जो भी उस दिन आपके बूथ पे आएंगे उनको दिखाना है कि ये मतदाता सूची है हमारा, वो देखेंगे, अगर उनको लगता है कि उसमें मेरा नाम शामिल नहीं है तो उस दिन हम लोग सिर्फ उनसे फॉर्म 6 लेंगे। 9 तारीख का ये दो काम है और उसके बाद जो भी आपकी प्रक्रिया है वो भी एक ही दिन में होनी है और फाइनली 10 तारीख को हम लोगों को डाटा एंट्री करना है वेबसाइट पर, तो आपको सेम डे उसकी जाँच कर लेनी है और अगले दिन हम लोगों को दे देना है। वरिष्ठ नेता आस्तिक महतो ने सांसद डॉक्टर अजय कुमार पर निशाना साधते हुए कहा कि उनसे जनता को जो उम्मीदें थी वो पूरा नहीं हो पाया है। पिछले चुनाव में आजसू के बैनर पर लोकसभा चुनाव लड़ने वाले आस्तिक महतो हालांकि फिलहाल आजसू में नहीं हैं। उन्होंने न्यूज टाइम से बातचीत में कहा कि डॉक्टर अजय कुमार पर जनता का बहुत विश्वास था और उनसे काफी उम्मीदें थी कि वे आम लीडरों से हटकर काम करेंगे, मगर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ और लोगों को निराशा ही हाथ लगी। जब आईपीएस एसपी रहकर यहाँ का लीडर को पीटा करते थे, वो स्वयं आज रोड पर उतर कर रोड जाम करता है ना। अगर इनको सेवाई का भावना था तो इस जमशेदपुर में रह के टेलको में उनको नौकरी किया, तो बड़ा बड़ा कंपनी में सोशल काम करने के लिए फंड दिया जाता है, ये गवर्नमेंट का साथ एमयू होता है कि सामाजिक काम करने के लिए, तो टेलको कंपनी में जब इतना उच्च पद में रह चुके हैं तो गोविंदपुर में एक तो नल भी नहीं लगवा दिए क्यों, घोड़ा बांधा में एक तो बोरिंग भी क्यों नहीं करवा दिए। आज जिस फंड का बात करते हैं 5 करोड़ रुपया में, आज जो काम का जो उपलब्धियों बताते हैं वो उपलब्धियाँ तो गाँव का मुखिया भी करके दिखा देते हैं। जगदलपुर का पब्लिक तो देख ही रहे हैं, बोलते हैं एजुकेशन हब बनाएगा, अरे देश भारत देश आज़ाद होकर 66 साल हो गया, आज भी मैंने पढ़ाने के लिए कि कोई भी गार्जियन किसी लीडर का दरवाजा में जाकर हाथ जोड़कर बोलता है कि नेताजी हमारा बच्चा को अच्छा एजुकेशन के लिए अच्छा स्कूल में एडमिशन करा दीजिए। बड़ा दुख लगता है कि ऐसा बात क्यों नहीं पार्लियामेंट में रखते थे कि अच्छा एजुकेशन। हमारा पर्सनल ओपिनियन तो नहीं देना चाहिए, अगर कुछ हटके करते तो अच्छा लगता है। गोपाल मैदान में 8 से 15 मार्च तक स्वदेशी मेले का आयोजन किया जाएगा। मेले की तैयारियां जोर शोर से जारी है जिसमें देश भर की बड़ी कंपनियां भी अपने स्टॉल्स लगाएंगे। इसके अलावा लगभग 300 स्टॉल्स में स्वदेशी वस्तुओं की प्रदर्शनी सह बिक्री रखी जाएगी।
उक्त बातें आयोजक मुरलीधर केडिया ने संवाददाता सम्मेलन बुलाकर दी। हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी विभिन्न प्रकार के करीब 300 स्टॉल यहां लगेंगे, जिसमें बड़ी कंपनियां भी स्टॉल रहेंगे, जो बिल्डर्स हैं जिनके नए नए प्रोजेक्ट आ रहे हैं उस संबंध में भी स्टॉल के माध्यम से लोगों को जानकारी। और नया देखिए क्या है कि ये एक स्थापित मेला है और इस मेले में लोग ये नहीं उम्मीद करते हैं कि हमको नया क्या मिल रहा है, क्योंकि जो वस्तुएं वो यहाँ मेले में पहले मेले से खरीदने के लिए आते हैं, मैं समझता हूँ कि 11वें मेले तक भी उनकी अपेक्षा रहती है कि वो वस्तुएं इस मेले में मिले और हर प्रकार की वस्तुएं इस मेले में लगती हैं। हैंडीक्राफ्ट जो जमशेदपुर में कहीं नहीं मिल पाता है वो एक छत के नीचे 50 तरह के भी हैंडीक्राफ्ट इस मेले में उपलब्ध होगा। कारमेल जूनियर कॉलेज प्रबंधन के खिलाफ गत 4 दिनों से धरना पर बैठे एक अभिभावक शुक्रवार को गश्त खाकर गिर गए। उन्हें पुलिस जीप से आनन फानन में MGM अस्पताल ले जाया गया। और इसका खोल भी दिया था उसको कि थोड़ा कोप अप कर जाए उसका तबीयत, लेकिन कोप अप नहीं कर पाया। अभी देखेंगे, अभी अचानक जो हम लोगों ने उसको उठाने की कोशिश की तो एकदम बेहोश था। प्रशासन से क्या हम उम्मीद करें, सभी बातों को रखने के बावजूद भी स्थिति सब सामने रहे, आपसे छिपा हुआ नहीं है। पिछले दो दिन पहले भी दो आंदोलनकारी बीमार होकर MGM पहुँच चुके हैं, आज एक तीसरा गया। अब लगता है कि अब सबकी जान ही निकल जाएगी, तब प्रशासन के कान पर जू रहेगा, यही हम उम्मीद कर सकते हैं। और क्या कर सकते हैं, बच्चे के लिए अगर जान भी देना पड़े तो क्या करें, दे देते हैं जान। आइए अब जानते हैं कुछ शाहीवासा की खबरें। कन्या भ्रूण हत्या पर रोक एवं लोगों में जागरूकता लाने के लिए सदर अस्पताल में चिकित्सकों एवं स्वास्थ्य कर्मियों को प्रशिक्षण दिया गया। कार्यक्रम का संचालन खुद सिविल सर्जन डॉक्टर VK तिवारी कर रहे थे। आपके क्षेत्र में यदि कोई अल्ट्रासाउंड क्लिनिक चलता है, ठीक है, यदि आप जा रहे हैं। सदर अस्पताल की ANM स्कूल में आयोजित प्रशिक्षण कार्यक्रम में सिविल सर्जन डॉक्टर VK तिवारी ने सभी लोगों से अपील किया कि भ्रूण हत्या पर नियंत्रण के लिए अपने स्तर से पूरी कोशिश करें। PCPNDT एक्ट के बारे में चिकित्सकों को अवगत कराया गया। बेटी बचाओ अभियान में तेजी लाने की बात CS ने कही। आपको बता दें कि पूरे झारखंड में पश्चिमी सिंहभूम ऐसा जिला है जहां मेल फीमेल रेशियो सबसे बेहतर है। जिला कार्यक्रम प्रबंधक निर्मल कुमार दास ने बताया कि भ्रूण हत्या पर रोक लगाना बहुत जरूरी है, इसके लिए लोगों को भी जागरूक होना होगा। इसके लिए दंडित भी किया जा सकता है, जैसे अपराध के प्रकार जो लोग गैर पंजीकृत इकाई को संचालित करने में सहयोग करते हैं, ठीक है, उत्तरदायी व्यक्ति उस केंद्र को चलाने वाला व्यक्ति आके टेस्ट कर रहे हैं, ठीक है, उसके बाद वहां से चल रही है, लेकिन यदि उसका पंजीकरण नहीं है, वो जो ऑथराइज है जो व्यक्ति चला रहा है वो भी दंड का भागीदार होता है। सदर अस्पताल चाईबासा के ANM स्कूल में आज PCPNDT का एक वर्कशॉप किया जा रहा है, जिसमें अपर मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी सिविल सर्जन के माध्यम से दिया जा रहा है। इसमें जो है हमारे जिले में जो भ्रूण हत्याएं यदि हो रही हैं तो सभी लोगों को जागरूक करने के लिए एक वर्कशॉप किया जा रहा है, जिसके माध्यम से सभी प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी एवं सदर अस्पताल के जितने भी कर्मचारी हैं उनको बुलाया गया है और इस माध्यम से एक मैसेज दिया जा रहा है कि जिले में यदि कोई भी व्यक्ति अल्ट्रासाउंड क्लिनिक में जाते हैं और अपना भ्रूण जांच कराना चाहते हैं तो वो नहीं हो और हमारा जो भ्रूण हत्या है ये रुके। किन लोगों की ट्रेनिंग दी जा रही है? ये सभी प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी हैं और ये प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी स्वयं यहाँ से जो प्रशिक्षण लेके जाएंगे तो अपने माध्यम से सभी ANMs और सभी सहायकों को एक प्रशिक्षण देंगे कि कोई भी व्यक्ति यदि भ्रूण हत्या कराता है तो उसको वो रोक पाए, जिससे हमारा जो मेल और फीमेल का जो सेक्स रेशियो है ये अपना लोकसभा चुनावों की तैयारियों में जिला प्रशासन जुट गया है। इस क्रम में सभी BLO और कर्मचारियों को EVM मशीन को हैंडल करने का प्रशिक्षण दिया गया। पहले चरण में चाईबासा विधानसभा और मंचगांव विधानसभा के BLO को प्रशिक्षण दिया जा रहा है।
प्रशिक्षक को द्वारा BLO को बताया गया कि EVM को कैसे चालू करना है, हर घंटे कैसे मतदान की संख्या की जानकारी मिलेगी। SDO असीम किस्पोट्टा ने कहा कि यह BLO की एडवांस ट्रेनिंग है, इसके लिए पोलिंग पदाधिकारियों का भी प्रशिक्षण होगा। आप वोट नहीं लेगा, अभी आप देने जाइएगा तो वोट नहीं लेगा। इस मॉक पोल में आपको ये दिखाना है, जो अभिकर्ता मान रहे ये मशीन बिल्कुल सही है और वोट ले रहा है। उसके बाद हम लोग इसको रिजल्ट दिखा के CR क्लोज रिजल्ट वन क्योंकि आज सभी प्ले हॉल में सभी BLOs की ट्रेनिंग हो रही है। ये एक एडवांस ट्रेनिंग है, इसके बाद पोलिंग पार्टी का जो फॉर्मेशन होगा उसके बाद फिर से ट्रेनिंग दी जाएगी। स्पेशली EVM ट्रेनिंग भी दी जा रही है, बाद में भी यही ट्रेनिंग दी जाएगी। और BLOs का असल में ये निर्वाचन का कार्य शुरू से करके आ रहे हैं, इनके फ्रेश रिफ्रेशर कोर्स के जैसा एक ट्रेनिंग है। अच्छी तरह से ट्रेनिंग ये लेंगे तो ताकि पोलिंग टीम को गाइड कर पाएंगे, यही हमारा उद्देश्य है ताकि फ्री और फेयर इलेक्शन हो सके। उपायुक्त कार्यालय में वार्षिक मूल्यांकन को लेकर बैठक की गई। बैठक में शिक्षकों को समग्र मूल्यांकन के विषय में बताया गया। 22 मार्च तक मूल्यांकन कार्य चलेगा और 29 मार्च को रिजल्ट प्रकाशित होगा। बैठक में बताया गया कि वार्षिक मूल्यांकन 19 मार्च से 22 मार्च तक चलेगा। 13 मार्च को प्रश्न पत्र का उठाव होगा। मूल्यांकन का परिणाम 29 मार्च को अभिभावकों की उपस्थिति में विद्यालय में संपन्न करना है। प्रधान अध्यापकों को कहा गया कि 2 अप्रैल तक ग्रेडेशन विवरणी संकुल संसाधन केंद्र को उपलब्ध कराएंगे। समन्वयक तपन दत्ता ने कहा, पश्चिमी सिंहभूम में जितने सारे मध्य विद्यालय और माध्यमिक विद्यालय है इनका वार्षिक मूल्यांकन 19 तारीख से हमारे प्रखंड में चालू हो रही है और ये मूल्यांकन कार्य 22 मार्च तक चलेंगे और 29 तारीख को सभी विद्यालय में अभिभावक एवं ग्राम शिक्षा समिति की उपस्थिति में सभी बच्चों को मूल्यांकन कार्ड का वितरण करना है और उपरांत 4 अप्रैल तक अपने अपने CRC में सभी विद्यालय के जो शिक्षक हैं वो अपने जो ग्रेडिंग लिस्ट है वो हमारे CRC को उपलब्ध कराएंगे, उसका अवलोकन करते हम उसको फिर जिला पे उपलब्ध कराएंगे। एवं इस परीक्षा में जितने सारे बच्चे अपीयरेंस हो रहे हैं उन्हें संकुल स्तर से हम लोग प्रश्न पत्र उपलब्ध कराएंगे। शिक्षक नेक्स्ट बृहस्पतिवार को आके संकुल से प्रश्न पत्र एवं ग्रेडिंग लिस्ट जो है वो CRC से उपलब्ध करा लेंगे।